इलेक्ट्रिकल बाबा की ग्राफिकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पावर सिस्टम पढ़ाएंगे। पावर सिस्टम में हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करने से पहले हम इनके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, इसके पहले यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, कनेक्टेड लोड। ये सारे टर्म्स एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। कनेक्टेड लोड, ये सब बताने के बाद इसके विश्लेषण को भी बताएंगे क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, एवरेज लोड, लास्ट फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, स्पाइनिंग रिजर्व, लोड रिजर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, कोल्ड रिजर्व, हार्ट रिजर्व, बेस लोड और पीक लोड। ये हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में इम्पोर्टेंट टर्म है। इसको हम अब एक एक करके क्या होता है ये जानेंगे। हम देखेंगे पहला कौन सा, कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या होता है, यह सप्लाई सिस्टम से जुड़े सभी उपकरणों की निरंतर रेटिंग का योग होता है। मतलब सप्लाई सिस्टम से जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं उनके कंटिन्यूस रेटिंग के योग को हम कनेक्टेड लोड कहेंगे। जो लगातार सप्लाई सिस्टम से जुड़ा होता है उसके कंटिन्यूस रेटिंग के योग को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लोड कहेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, इसे किसी में मापा जाता है, किलोवाट अथवा वाट में कनेक्टेड लोड को मापा जाता है। इसकी यूनिट किलोवाट या वाट होती है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है चार बल्ब, एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमारा एक कंज्यूमर है जिसके घर में चार बल्ब 100 वाट का लगा हुआ है, चार फैन 60 वाट का लगा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि वो चल रहा है या आन है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सप्लाई सिस्टम से जुड़ा है वही वो लिया जाता है। तो चार बल्ब है 100 वाट का, चार फैन है 60 वाट का, एक कूलर है 500 वाट का, एक टीवी है 60 वाट की, दो सीएफएल है 40 वाट के और दो सॉकेट हैं 100 वाट की। तो हम देखेंगे इसके कनेक्टेड लोड कितने होंगे। कनेक्टेड लोड हम देखेंगे, कंज्यूमर का कनेक्टेड लोड क्या होगा, हमारा चार बल्ब है, चार कितने वाट का है, 100 वाट का, 4 × 100 प्लस हमने बोला कि उपकरणों की निरंतर रेटिंग का योग, मतलब उपकरणों की रेटिंग कितनी है 100 वाट और चार बल्ब है, तो 4 × 100 प्लस चार फैन है 60 वाट का, 60 प्लस एक कूलर है 500 वाट का प्लस एक टीवी है 60 वाट की, 1 × 60 वाट प्लस दो सीएफएल हैं 40 वाट के प्लस दो सॉकेट है 100 वाट की। इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो
हमारा प्राप्त होगा 1480 वाट। ये हमारा जो ये जो हमारा जो हो जाएगा कनेक्टेड लोड। इस प्रकार से हम कनेक्टेड लोड निकालते हैं। मतलब कनेक्टेड लोड का मतलब होता है कि ऑन टाइमिंग नहीं, जो सप्लाई सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो कनेक्टेड लोड में आ जाएगा, उसकी रेटिंग का योग कनेक्टेड लोड में आ जाएगी। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। मैक्सिमम डिमांड, हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, यह निश्चित समय के लिए किसी स्टेशन से विद्युत शक्ति की अधिकतम या सबसे बड़ी मांग होती है। क्या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, यह किसी निश्चित समय के लिए विद्युत किसी स्टेशन पर किसी निश्चित समय के लिए स्टेशन पर सबसे बड़ी या अधिकतम मांग होती है। मतलब 24 घंटे में किसी भी टाइम में सबसे बड़ी मांग को या सबसे अधिकतम मांग को जो है हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। दिन पूरे एक दिन में किसी भी टाइम पर जो अधिकतम मांग होगी उसे हम मैक्सिमम डिमांड कहेंगे, या जो अधिकतम लोड कनेक्ट होगा पावर स्टेशन पर, या जो अधिकतम मांग होगी पावर स्टेशन की वो मैक्सिमम डिमांड या अधिकतम मांग कहलाती है किसी भी टाइम के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एक निश्चित समय के लिए किसी स्टेशन से विद्युत शक्ति की अधिकतम या सबसे बड़ी मांग को जो है मैक्सिमम डिमांड या अधिकतम मांग कहते हैं। सबसे बड़ी मांग, अधिकतम या सबसे बड़ी मांग होती है। एक बार फिर देख लेते हैं, मैक्सिमम डिमांड यह है एक निश्चित समय के लिए किसी स्टेशन से विद्युत शक्ति की अधिकतम या सबसे बड़ी मांग होती है। मतलब किसी भी टाइम में पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम में जो अधिकतम मांग प्राप्त होगी वह हमारी मैक्सिमम डिमांड ली जाती है। इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट हम देखेंगे क्या होती है, यूनिट इसकी केवीए अथवा किलोवाट होती है। इसकी यूनिट जो है केवीए अथवा किलोवाट होती है। मैक्सिमम डिमांड जो है कनेक्टेड लोड से के बराबर या कनेक्टेड लोड से छोटा होता है। मैक्सिमम डिमांड लेस देन या आर इक्वल टू कनेक्टेड कनेक्टेड लोड, जो हमारी मैक्सिमम डिमांड जो है हमारे कनेक्टेड लोड से छोटी या अथवा बराबर होती है। मैक्सिमम डिमांड जो है, दूसरा पॉइंट हम लिख एक और पॉइंट लिख लेंगे, मैक्सिमम डिमांड जो है कनेक्टेड लोड से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड से बड़ी नहीं हो सकती। ये हमारा अगला पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे डिमांड फैक्टर क्या होता है। डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, जैसा कि हमने डिमांड फैक्टर जैसा कि हमने कनेक्टेड लोड व मैक्सिमम डिमांड के बारे में पढ़ा, तो डिमांड फैक्टर जो है मैक्सिमम डिमांड व कनेक्टेड लोड के बीच में संबंध को बताता है, या डिमांड फैक्टर किसे कहते हैं, यह मैक्सिमम डिमांड व कनेक्टेड लोड का अनुपात होता है। डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड व कनेक्टेड लोड का अनुपात होता है। तो हम इस प्रकार क्या लिखेंगे, डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन
कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर जो है मैक्सिमम डिमांड व कनेक्टेड लोड के बीच में संबंध को बताता है, या फिर इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं यह मैक्सिमम डिमांड व कनेक्टेड लोड का अनुपात होता है। मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू अरे सॉरी डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। इसका मान जो है एक के बराबर या एक से कम होता है, चूँकि मैक्सिमम डिमांड जो हमने बताया कि मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, यह कनेक्टेड लोड के बराबर या कनेक्टेड लोड से छोटा होगा। तो इसलिए डिमांड फैक्टर का मान, चूँकि मैक्सिमम डिमांड अपर साइड है, तो डिमांड फैक्टर का मान जो है एक से छोटा या एक के बराबर होगा, एक से छोटा या एक के बराबर होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसका मान जो है एक के बराबर या एक से छोटा है। अब हम अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, एवरेज लोड। एवरेज लोड क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे। देखेंगे एवरेज लोड यह जो है एक निश्चित अवधि में कंज्यूम की गई ऊर्जा व समय का व निश्चित समय का अनुपात होता है। इसे एवरेज लोड जो होता है एक निश्चित समय किसी दी हुई समय में कंज्यूम की गई ऊर्जा व उस समय का अनुपात होता है। जैसे हम देखेंगे डेली एवरेज लोड, हम पहले एक दिन के लिए लेते हैं तो डेली एवरेज लोड निकालेंगे। डेली एवरेज लोड हमारा डेली एवरेज लोड क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम इन वन डे, मतलब एक निश्चित समय एक दिन दिया गया है तो क्या लिखा गया, एनर्जी कंज्यूम कंज्यूम इन वन डे, एनर्जी कंज्यूम इन वन डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो हमारा डेली एवरेज लोड या फिर ये डेली एवरेज लोड जो है एक दिन में कंज्यूम की गई ऊर्जा व बटे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हम घंटे में निकालते हैं, तो डेली एवरेज लोड बराबर हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम इन वन डे अपॉन 24। इस प्रकार से हमारा एवरेज लोड निकलता है। ये हमारा डेली एवरेज लोड है। इसी प्रकार से हम वीकली एवरेज लोड भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम वीकली एवरेज लोड इक्वल टू एनर्जी, हमने बताया कि एक निश्चित अवधि में कंज्यूम की गई ऊर्जा व उस अवधि का अनुपात होता है हमारा एवरेज लोड। तो अवधि कितनी है, वन वीक, एनर्जी कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम इन वन वीक अपॉन, वन वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन इंटू एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे। तो इस प्रकार से हमारा वीकली एवरेज लोड इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम इन वन डे वन वीक, वीकली एवरेज लोड इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम इन वन वीक अपॉन 7 × 24।
इसी प्रकार से मंथली एवरेज लोड मंथली एवरेज लोड व ईयरली एवरेज लोड भी निकालते हैं। अब हम इसका छोटा सा एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम एवरेज लोड निकालने के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि कनेक्टेड लोड के लिए कंटिन्यूअस रेटिंग ली जाती है, मतलब एक सप्लाई सिस्टम से जो भी कनेक्ट रहेगा लोड वह कनेक्टेड लोड में आ जाएगा, कनेक्टेड लोड निकालने पर वो ले लिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ एवरेज लोड में जब एनर्जी कंजप्शन निकालेंगे तब कितने टाइम के लिए वह एनर्जी ले रहा है, कितने कनेक्ट तो आई है लेकिन कितने टाइम तक वह एनर्जी ले रहा है, कितने टाइम तक वह एनर्जी का यूज कर रहा है वो भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारा एक 100 वाट का चार बल्ब है 8 घंटे प्रचालित होता है तथा 60 वाट का दो फैन है 10 घंटे के लिए प्रचालित होता है। तो हम यहाँ पर मंथली एवरेज लोड निकालेंगे, मंथली एवरेज लोड निकालते हैं ताकि हमको उसका भी फंडा थोड़ा पता चल जाए। हमने आपको फार्मूले के द्वारा डेली एवरेज लोड, वीकली एवरेज लोड बनाया, मंथली एवरेज लोड हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। टोटल हम पहले निकालेंगे कंज्यूम की गई एनर्जी, टोटल टोटल मंथली एनर्जी, टोटल मंथली एनर्जी कंजप्शन, कंजम्पशन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हमारा चार बल्ब है गुड़े 100 वाट का और कितने घंटे प्रचालित होता है 8 घंटे और कितने दिन का निकाल रहे हैं हम मंथली निकाल रहे हैं, तो 30 से गुड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो गया प्लस दूसरा कितना है 60 वाट दो फैन और 10 घंटे पर प्रचालित हो रहा है, कितने दिन के लिए निकालना है एवरेज लोड 30 दिन के लिए, तो 30 से 30 दिन के गुणा हो जाएगा 10 घंटे, मतलब पर डे जो है 10 घंटे यूज होता है 300 दिन तक। अब हम इसको निकालेंगे, आगे चलेंगे देखेंगे मंथली एवरेज लोड ऑफ कंज्यूमर हम क्या होगा देखेंगे, मंथली एवरेज लोड ऑफ कंज्यूमर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, हमने बताया वीकली के लिए बताया था एनर्जी कंज्यूम इन वन वीक और मंथली के लिए क्या हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम इन वन मंथ अपान 30, एक मंथ में 30 दिन होता है 30 × 24, ये हमारा मंथली एवरेज लोड का फार्मूला है। आगे देखते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है, हमारा एनर्जी कंज्यूम इन वन मंथ में कितनी एनर्जी, एक मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है हमारा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 132 किलोवाट घंटा, मतलब 132 किलोवाट घंटा या 132 यूनिट
तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, एवरेज लोड कितना प्राप्त हो, 132 बटे 30 × 24। तो इस प्रकार से हमारा 0.1833 किलोवाट या फिर 183.3 वाट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम एवरेज लोड निकालते हैं। हमारा एवरेज लोड का एग्जांपल है। अब हम आगे पढ़ेंगे लोड फैक्टर और अदर टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसा कि हमने हमें स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा और अगले क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।